उत्तराखंड में मौसम का मिजाज गुरुवार को भी शुष्क बना रहा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर समेत राज्य के मैदानी इलाकों में कोहरे ने परेशान किया। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने 1 फरवरी तक मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं शीतलहर की भीषण स्थिति रहने की आशंका है। कोहरा और शीतलहर को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम कोहरे में वृद्धि रहेगी। कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित होगी। विमान लैंडिंग टेक ऑफ में दिक्कत बनी रहेगी। यात्रा करने से पहले मौसम की विस्तृत जानकारी हासिल कर लें। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम रखें। खासकर सुबह और शाम के वक्त घर पर रहना ही बेहतर उपाय है। मौसम विज्ञान में रुचि लेने वाले आम लोग अब बारिश, हिमपात, ओलावृष्टि या मौसम से जुड़ी फोटो और सूचनाएं मौसम विभाग से साझा कर सकेंगे। राज्य या देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग अपने शहर, कस्बे के मौसम के हाल से मौसम विभाग को भी अपडेट कर सकेंगे। मौसम विभाग ने एक पब्लिक डोमेन की शुरुआत की है। इसमें जाकर कोई भी अपने इलाके के मौसम से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा कर सकता है। इस पब्लिक डोमेन में जाने के लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग के वेबसाइट लिंक को खोलते ही यूजर मौसम विभाग की साइट पर आ जाएगा और अपनी अपडेट दे सकेगा। बारिश, तूफान, धूल भरी आंधी, आकाशीय बिजली, कोहरा, ओलावृष्टि, हिमपात की फोटो के साथ छोटी सी डिटेल भी दी जा सकेगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम से जुड़े तथ्य और कार्य के प्रति लोगों में रुचि जगाने के लिए प्रयोग किया गया है। इससे मौसम विभाग को भी अपने पूर्वानुमानों की फीडबैक मिलती रहेगी। मौसम विभाग भी इन जानकारियों को अपने स्तर पर प्रयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।